अब किरचॉफ लॉ की एक और एप्लीकेशन है। काफी लोग ये पूछते हैं कि अगर ब्रिज बैलेंस्ड हो, व्हीटस्टोन ब्रिज, C1 by C2 होता तो मैं इसको हटा देता क्योंकि ब्रिज बैलेंस हो जाता। मेरा क्वेश्चन क्या है? C1 by C2, C2 by C1। अब ये ब्रिज बैलेंस नहीं है, रेशो बराबर नहीं है, रेशो बराबर नहीं है, मैं इसको हटा नहीं सकता। और मेरा क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। इस पे लिख लो नॉट फॉर एनसीईआरटी, इसका प्रूफ नहीं करना। बताऊंगा प्रूफ कैसे करना है, लेकिन आपको ऐसे याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है। ठीक, तो सबसे पहली चीज, ये ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है, पर हाँ कुछ सिमिट्री दिखती है C1 C1 C2 C2 की। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, आपको इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, कोई सीरीज में नहीं, कोई पैरेलल में दिख नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे, आप ये मानेंगे कि ए और बी के बीच में 5 कैपेसिटर को सॉल्व करके एक कैपेसिटर आता है जिसकी वैल्यू है सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? सी इक्विवेलेंट का मतलब है इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। तो ये मुझे निकालनी है। अब ये मुझे ये पता है कि इस पे अगर चार्ज टोटल 5 कैपेसिटर का क्यू है, तो इस अकेले के ऊपर भी क्यू है, तो क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी ए माइनस वी बी। राइट, तो यहां से सी इक्विवेलेंट क्या आएगा? क्यू डिवाइडेड बाई वी ए माइनस वी बी। क्लियर है? तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो अगर आप वी ए माइनस वी बी की वैल्यू मुझे बता दें, पोटेंशियल डिफरेंस बता दें वी ए माइनस वी बी, तो मैं यहां पर वैल्यू को पुट करके क्या निकाल लूंगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल लूंगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है? वी ए माइनस वी बी। अब वी ए माइनस वी बी निकालने के लिए कोई सीरीज पैरल तो दिख नहीं रहा, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? ये 5 कैपेसिटर्स हैं, इन कैपेसिटर्स में मान लो यहां पर बैटरी मैंने कनेक्ट की थी, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, सपोज सपोज दिखा नहीं रहा पर सपोज, तो जिसने क्यू चार्ज दिया था, क्यू चार्ज में से इस प्लेट ने कितना लिया? Q1। तो इसको कितना मिला? Q-Q1। तो टोटल तो क्यू ही दिया था, तो कुछ ऊपर कुछ नीचे। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि यहां बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होगा, तो नेगेटिव टर्मिनल यहां कनेक्टेड होगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये मेरे को इस बात समझ में आती है कि अगर ये Q1 है C1 के ऊपर, तो इधर भी C1 के ऊपर माइनस Q1 होगा, और अगर C2 के लेफ्ट की तरफ Q-Q1 है, तो C2 के राइट के ऊपर इतना होगा। वो क्यों? क्योंकि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहता है कि इस प्लेट और इस प्लेट और इस प्लेट और इस प्लेट का टोटल चार्ज क्या आना चाहिए? जीरो। राइट, जीरो तो आपके सामने ही है, जीरो। क्लियर है यहां तक? तो कैपेसिटी के हिसाब से उन्होंने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, सिमिट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, C1 के पास C1 का चार्ज है, C2 के ऊपर C2, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव के साथ। तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, अगर ये प्लस है तो ये इसका नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव है। अब डिसाइड ये करना है इन प्लेट्स पे क्या चार्ज है, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है, तो ये कुछ भी हो सकता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं कह नहीं सकता। ऐसी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव तो मुझे पता नहीं, तो मैंने जब मुझे पता नहीं फिर कुछ भी ले लो, मैंने इसको पॉजिटिव एक्स ले लिया, इसको नेगेटिव एक्स ले लिया। ठीक है यहां तक? तो अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी निकालने के मेरे पास बहुत तरीके हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं किरचॉफ का लॉ लगाऊं, कहां पे लगाऊं? इस आइसोलेटेड सिस्टम पे लगाऊं। इस आइसोलेटेड सिस्टम में एक्स तो मुझे पता नहीं, निकाल लो कैसे? इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज का सम क्या आएगा? जीरो। फर्स्ट कैपेसिटर, सेकेंड और थर्ड का सम जीरो। तो कम से कम आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? एक्स की वैल्यू आ गई। तो एक्स निकाल लिया। अब आप क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है आपको ए और बी का। तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो सपोज आप इस रास्ते के थ्रू निकालना चाहते हैं ए और बी, मतलब रास्ता क्या? ए डी बी ऐसे। तो आप क्या निकालना चाहते हैं? वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। राइट, तो ट्रिक देखो क्या यूज करूंगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, कोई फर्क तो है नहीं, सेम है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा पॉइंट डी आ रहा है, तो इसमें वी डी एड कर दो और वी डी सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसमें भी। ठीक, पेयर बना लो, वी ए माइनस वी डी कर लो और वी डी माइनस वी बी कर लो, या ये देखो वी ए माइनस वी डी कर लो, वी डी माइनस वी बी कर लो, एक ही बात है, चेक कर लो
ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, ठीक। तो मैंने VA माइनस VB को क्या लिख लिया, VA माइनस VD प्लस VD माइनस VB। तो अगर आपने ये रास्ता चुना हुआ है ADB का तो ओरली भी कर सकते हो, रास्ते में पहले D पॉइंट आएगा तो VA माइनस VD प्लस VD माइनस VB, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है यहां तक। तो अब ये बताओ VA माइनस VD क्या होगा, VA माइनस VD होगा चार्ज Q1 डिवाइडेड बाय कैपेसिटी C1, और VD माइनस VB क्या होगा C2 डिवाइडेड बाय Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय C2। तो ये क्या आ गया VA माइनस VB। अब VA माइनस VB एक और तरीके से निकल सकता है, वो क्या, ये मान लो सपोज आपने रूट चेंज कर लिया, ये A पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये E पॉइंट है और ये B पॉइंट है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं VA माइनस VB विल बी इक्वल टू, पहले क्या पॉइंट आ रहा है, A के रास्ते में D आ रहा है, तो VA माइनस VD प्लस VD माइनस VE प्लस VE माइनस VB। आप चेक कर लें VE से VE, VD से VD, कैंसिल, आंसर सेम है, राइट। तो इस केस में आप ऐसे लिखेंगे, फिर से वही सेम रूल लगाएंगे, VA माइनस VD विल बी इक्वल टू Q1 बाय C1, VD माइनस VE इज इक्वल टू X डिवाइडेड बाय C3, VE माइनस VB इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय C1। ये रहा, तो यहां से ये टर्म आ गई। अब एक टर्म ये आ गई, एक टर्म ये आ गई, X आपको पता है, इन सबको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके Q डिवाइडेड बाय VA माइनस VB, Q मतलब Q1 को एलिमिनेट करेंगे दोनों इक्वेशन में से, तो Q by VA minus VB का ये फॉर्मूला आ गया। लेकिन हमें पता है कि Q divided by VA minus VB क्या होता है, C equivalent। तो आपके पास क्या आ गया, C equivalent का फॉर्मूला आ गया। आपने इसका प्रूफ नहीं करना, फॉर्मूला रजिस्टर में ये डायग्राम बनाओ, ये वाला डायग्राम बनाओ, C1 C2 C2 C1, और साथ में इसके C equivalent का फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला याद करने का तरीका और ट्रिक देख लो प्लीज पहले, फिर लिखना। ये देखो, देखो सबसे पहले क्या करना है, C1 C2 C2 C3 C3 C1, ठीक, डिवाइडेड बाय C1 C2 C3। एक टू यहां लगाना है, एक टू यहां लगाना है, आंसर नोट कर लो फॉर्मूला।